अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, आपको न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए मकई के जो बाल होते हैं, भुट्टा के बाल यानी छली के जो बाल होते हैं, जब छली को हम खोलते हैं उसके अंदर से बाल निकलते हैं, उसके मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों भुट्टे के बाल को इंग्लिश के अंदर कॉर्न सिल्क बोला जाता है। और दोस्तों कॉर्न सिल्क से टी बना के इस्तेमाल की जाती है, इसे ड्राई करके इसे पीस कर मुख्तलिफ अद्वियात के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कॉर्न सिल्क यानी भुट्टे के बाल के यानी छली के बाल के चाय बनाने के लिए आपने 1 कप पानी ले लेना है, उसके अंदर आपने 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्न सिल्क शामिल कर लेना है यानी भुट्टे के बाल शामिल कर लेने हैं। उसके बाद आपने सिर्फ 5 मिनट से बॉईल करना है, उसके बाद आपने इसे ढक कर रख देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद आपने छान के इसे नीम गर्म पी लेना है, ये आपको बहुत सारे फायदे देगा। चलिए दोस्तों अब आते हैं कॉर्न सिल्क के जो है न्यूट्रन फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों इसके अंदर पोटाशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, और दोस्तों विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, मुनासिब मकदार में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। चले दोस्तों ये तो थे कॉर्न सिल्क के न्यूट्रन फैक्ट्स, अब आते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स की तरफ। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसकी चाय बना के पी जाती है, तो आप इसकी चाय बना लें, चाय आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाएगी। और दोस्तों ऐसे अफराद जिनका पेशाब रुका हुआ है, जिन्हें पेशाब नहीं आ रहा, जिनके गुर्दों के अंदर पथरी है, मसाने के अंदर पथरी है, अगर वो कॉर्न सिल्क की चाय बनाकर पियेंगे तो उनका पेशाब जो है रिलीज हो जाएगा, और 2 से 3 दफ़े इस्तेमाल करने से ही गुर्दे में से पथरी रेत बनकर रेजा रेजा होकर पेशाब के रास्ते निकल जाएगी। और दोस्तों ऐसे अफराद जो अपने वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन है, ये जिसम में से फालतू चर्बी को ख़त्म करता है, आपको स्लिम और स्मार्ट बनाती है। और दोस्तों जो छली के बाल हैं मैदे के अल्सर के लिए बेहतरीन है, मैदे के इन्फेक्शन को दूर करते हैं, मैदे में जख्म हो गए हैं, आंतों के अंदर जख्म है तो उसे दूर करते हैं। और दोस्तों ऐसे अफराद जिनके अंदर खून की कमी है, जिनका रंग पीला होता है, अगर वो कॉर्न सिल्क की रेगुलर चाय बना के पिए तो उनकी रंगत निखर जाएगी और उनके ब्लड सेल्स जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे। दोस्तों जो मर्दाना जिनसिक दूध है प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ जाए, तो अगर वो कॉर्न सिल्क की आप चाय बना के पियेंगे तो सतह पर आ जाएगा और प्रोस्टेट कैंसर को भी ये दूर करती है। दोस्तों कॉर्न सिल्क की जो चाय है डायबिटिक्स मरीजों के लिए भी बेहतरीन है, शुगर लेवल को सतह पर लेकर आती है, इसी तरह ब्लड प्रेशर के लिए भी बेहतरीन है, दिल के मरीजों के लिए भी बेहतरीन है। ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो अगर वो कॉर्न सिल्क यानी छली के बाल की चाय बना के पियेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर सतह पर आ जाता है। और दोस्तों जिस्म में से हर किस्म की सोजिश को, गिल्टी को ये दूर करती है, और दोस्तों जिस्म में से जहरीले असरात को ये ख़त्म करती है, और दोस्तों जोड़ों के दर्द को भी ये आराम देती है, यूरिक एसिड को ये कम करती है, और दोस्तों बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ये रखती है। चले दोस्तों ये तो थे कॉर्न सिल्क यानी भुट्टा छली के बाल के बेनिफिट्स, अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों एक दिन के अंदर 1 कप जो है चाय इसका काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसे मकदार में इस्तेमाल ना कीजिएगा। और दोस्तों इसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके जिस्म के ऊपर ख़ारिश हो सकती है, जिल्द के ऊपर लाल निशान पड़ सकते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज आपको स्टार्ट हो सकती है, तो इसे आपने मुनासिब मकदार में लेना, ये आपको फ़ायदा देगा। इसे फालतू समझ के आप कभी भी ना फेंकें, यह सेहत के लिए बेहतरीन है। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉर्न सिल्क यानी छली के बाल के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, यूजेस बताएं, न्यूट्रन फैक्ट्स बताएं, बेनिफिट्स बताएं, साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों अगर आप मजीद कॉर्न सिल्क भुट्टा के बाल यानी छली के बाल के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं जो मैंने मिस कर दिया इस वीडियो में, तो जस्ट कॉमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको इसका ज़रूर अप्लाई करूंगा। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलें दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ, मुझे इजाज़त दें, ओके, जय हाफिज़, टेक केयर।